एक सेकंड एक सेकंड इलाहाबाद का मार्केट दिखा रहा हूँ। आज है धनतेरस। आज पहले धनतेरस का वीडियो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद दिवाली का। तो चलिए धनतेरस का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कितना भीड़ लगा है, कितने मतलब मार्केट सजे हुए में कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। चलिए चलते हैं। हमारे न्यू ब्लॉग में सबका स्वागत है। जिसे बता दें आज दिवाली है, आज 12 नवंबर है। सभी को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ऐसा करता हूँ आप लोग हर्ष उल्लास के साथ दिवाली मना रहे हैं खुशी खुशी। तो मैं यही कामना करता हूँ आप सभी लोग दिवाली में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुशी से अपना दिवाली मनाएं। मैं मतलब दिवाली पे घर नहीं जा पाया हूँ, तो इसीलिए अपने रूम में थोड़ा मोड़ा झालर वालर लगा दिया हूँ। थोड़ा मोड़ा यही रूम पे दिवाली मना ले रहा हूँ, क्योंकि घर जाने का टाइम नहीं था। घर जाने का मतलब है कि मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं घर नहीं जा पाया। तो चलिए आपको मैं अपने हैं जो सोने नहीं देते हैं, कुछ सपने हैं जो सोने नहीं देते हैं, और कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो हमें सोने नहीं देती हैं। तो समझ लीजिए कि कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ सपने हैं जो हमें घर नहीं जाने दिया, तो इसीलिए मैं घर नहीं जा पाया। दिवाली होली पे कौन नहीं चाहता है कि हम अपने घर परिवार में खुशहाली से रहें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं तो इससे भी सबका मन है। बहुत से लोग गए हैं घर पे दिवाली मना रहे हैं खुशी खुशी, हम भी अपना दिवाली मना रहे हैं अपने रूम से ही, घर नहीं जा पाए हैं। इसके लिए अफसोस तो है ही, मतलब घर की बात परिवार में कौन नहीं रहना चाहता है, आप लोग पता है। लेकिन कुछ मजबूरी मैंने यही सब कुछ है। जब तक हमारा लक्ष्य टारगेट पूरा नहीं होता है, तब तक होली दिवाली मनाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठाने लिया है तो घर जाने की और दिवाली होली मनाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तब तक हम संघर्ष करेंगे। लक्ष्य जब मैं अकेले यहाँ रूम में हूँ, हमारे अगल बगल के सारे बच्चे जितने लड़के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सब घर चल गए हैं। मेरा पेपर था, मैं इसलिए नहीं जा पाया। तो चलिए मैं आपका अपने रूम का व्यू दिखा रहा हूँ, तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। तो चलिए दिखा रहा हूँ। देखिए चारों तरफ पटाखा की आवाज़ आ रही है। चारों तरफ सुबह शाम 6 बजे से ही पटाखा से सब तरफ आवाज़ ही गूंज रही है, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी मैं अकेले हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। मैं घर नहीं जा पाया हूँ, लेकिन यहाँ पे
जो है सो अच्छा लग रहा है बस। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बाहर का व्यू। देखिए फ्रेंड, तो हमको दिवाली के प्रसाद भी मिल गई है, हमारे रूम मालिक दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे रूम मालिक की फैमिली भी रहती है तो लोग पूजा भी हैं, तो हमको दिवाली के प्रसाद भी दिए हैं। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए इतना आइटम है। धान का जो ये जो धान का बुनकर बनता है उसका जो निकलता है लावाओ है, चूड़ा है, और ये वाली तिल वाली टाफी है, बर्फी है, इसको का गरिया बोलते हैं वो है। वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, चारों तरफ पड़ाका की आवाज़ ही गुजर रही है, मेरी आवाज़ तो जा नहीं रही ज़्यादा। तो चलिए आपको आगे मैं दिखा रहा हूँ, ज़्यादा आवाज़ तो नहीं जा रही है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को आवाज़ सही से सुनाई दे, क्योंकि चारों तरफ बम ही बम फूल रहा है, बम की आवाज़ आ रही है, पटाखा ही पटाखा सब चल रहा है। तो चलिए आगे दिखा रहे हैं आपको। आओ देखो, आओ फोटो खींचा ना, बार लगाए दिए, एक सेकेंड भेज दिए। कैसा लग रहा है, दिवाली घर नहीं गए तो अपन दिवाली ही मना रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ ऐसी लाइफ है जो कि जो बेरोजगार है उसके लिए होली दिवाली छठ कोई माने नहीं पता है। तो बताइए आप लोग कैसा व्यू लगा है, हमारा रूम भी देख लिए, बाहर का भी देख लिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। पहले सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।